ट्रैफिक है यार वाइजैक की। मेरे को तो लगा था मैं वाइजैक को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, तो भयंकर ट्रैफिक है यहाँ पे। ओ भाई साहब, मेरे बाइक में पेट्रोल भी अभी बहुत कम है, एक बार रिमेनिंग अभी मेरे को पेट्रोल भी फिल कराना है। अभी जस्ट मैं बाटा से एक स्लीपर खरीद के निकला हूँ, साहिब भाई स्लीपर नहीं लेके आए, भूल गए, मैं उनके लिए एक स्लीपर ले आऊँ। अभी मैं जा रहा हूँ होटल की तरफ। ये है डे वन का व्लॉग नंबर टू, प्लस व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लो, आई बटन में लिंक आ रही है। एक रिकैप दे दूं, अभी मैं हूँ वाइजैक में, आज सुबह भुवनेश्वर से राइड करके हम लोग वाइजैक आए, तो भुवनेश्वर टू वाइजैक आने की जर्नी व्लॉग वन में थी, ये व्लॉग टू में आज हम लोग अभी शाम को देखते हैं, जहाँ जहाँ घूमेंगे तो वो इस व्लॉग में आएगा। तो ये सेकंड पार्ट है उस व्लॉग का, अगर वो देखा है तो आप ये देखो, समझ में आएगा। डायरेक्ट ये देखोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा मैं कैसे आया है ना। यहाँ से मेरे को अभी लेना है राइट, आएगा यहाँ पे एक एचपी का बहुत बड़ा पेट्रोल पंप, एंड पेट्रोल भराना है यार जल्दी से। एंड भाई मैं अभी होटल में नहीं रह रहा हूँ, मैं अपने रिलेटिव के घर पे रह रहा हूँ वाइजैक में। भाई एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बतानी पड़ेगी, वो है वो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, जब बाइक को मैं अभी कोल्ड स्टार्ट किया ना भाई, वो सिक्योरिटी वाला आके पीछे पड़ गया मेरे, बोलता है भाई इतना साउंड ये वो। मैं बोला भाई ठीक है मैं निकलता हूँ, तो मैं कोल्ड स्टार्ट हुई नहीं थी बाइक, पूरी गर्म ही नहीं हुई थी, एंड मैं निकल गया अपार्टमेंट से। भाई अब मैं सोच रहा हूँ मैं कल कैसे निकलूंगा, कल है संडे, कल ग्रुप वाले प्लान बनाए अरकू जाने का, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, लेकिन मेरे को बिल्कुल मन नहीं है कल अरकू जाने का, कल मैं वाइजैक में ही रुकूंगा, थोड़ा घुमा फिरे करूंगा, कल भी व्लॉग आएगा तो मिस मत करना, ये पूरा सीरीज है ना। तो अभी आगे मेरे राइट साइड में है एचपी का बहुत बड़ा पेट्रोल पंप, ये शायद वाइजैक का लार्जेस्ट है। आगे से यू टर्न लेते हैं, क्या भीड़ है पेट्रोल पंप में यार, क्या भीड़ लगी है। बोलो मेरे को तीन बार फोन कर चुके हैं होटल से, कितना देर में आ रहा है, कितना देर में, मैं बोला मैं बस पहुँच रहा हूँ। ओ भाई साहब लाइन है पेट्रोल के लिए, क्या रिएक्शन मिल रहे हैं यार यहाँ पे, कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। अरे भाई पूरे जिंदगी पावर ही तो डाला है, हमारी बाइक को ओनली पावर चाहिए, पावर ही पावर। बाइक भयंकर तौर से गंदी हुई है यार, सुबह बीच में एक पैच आया था 2 मिनट का, बहुत तेज बारिश हुई थी, सिर्फ 2 मिनट, हाँ पूरे दिन में सिर्फ 2 मिनट ही बारिश हम लोग को मिली। भाई बहुत हैप्पी है, आराम से आ गए, आज ना लेट पहुंचे हम लोग, एंजॉय कर करके आए हैं। अगर मैं सोलो आता था तो मैं आराम से 11:30-12 बजे तक पहुंच जाता, लेकिन किंतु परंतु 3 बज गया आते आते, ग्रुप में थे, एंजॉय किए, ब्रेकफास्ट वगैरह किए। नॉर्मली मैं अगर सोलो आता हूँ ना, ब्रेक वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, सीधा डायरेक्ट शॉट मारता हूँ, भुवनेश्वर से निकलो, ब्रह्मपुर में एक ब्रेक लो, उसके बाद 100 किलोमीटर पे एक ब्रेक लो, एंड देन वाइजैक सीधा पहुंच जाओ, जैसे फरवरी में आया था। निकला हुआ मोटर व्लॉगिंग कर रहा हूँ वाइजैक की सड़कों पे, शाम के 6:30 जा रहा हूँ होटल, होटल कौन सा बताओ, वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा मेरे को। मैं वहाँ पे सुबह उनको मैंने दोपहर में उनको वहाँ छोड़ा, फिर मैं अपने घर पे आया, लेकिन उसका नाम नहीं आता, होटल रियो है शायद। तो अभी चलते हैं आगे, आगे आ जाएगा बीच रोड, वहाँ से लेंगे हम लोग राइट। मेरे को वाइजैक के थोड़े थोड़े रास्ते यार याद हो गए हैं। भाई साहब फ्री लैंडर टू, ओके, तो मेरे को वाइजैक के थोड़े थोड़े रास्ते याद हो गए हैं, तो अभी मोबाइल जैसे लगाया हुआ था ना वो नहीं हटा चुका हूँ मैं, एक एक रास्ता है जो नहीं याद है तो उसके लिए मोबाइल है, तो लगा ही लेते हैं। एंड मेरे को जैसे यस, मेरे को तो जितना पता है आगे से राइट है बीच का रास्ता, एंड ये पूरा बीच का जो एंडिंग है वहाँ से ये स्टार्ट होगा, तो मेरे को थोड़ा और आगे तक जाना पड़ेगा उनके होटल के लिए। एंड अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने को मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेट्स सी कहाँ ग्रुप वाले बोलते हैं सब जाने के लिए। भाई मैं तो एक घंटे का ना पावर नैप ले लिया, सुबह 3 बजे मैं उठा हुआ था, यहाँ पहुंचा घर पे, पहुंच के अपना जो ट्रांसफर फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करने के बाद GoPro को पूरा खाली कर दिया, 5 बज गया मेरे को सब ट्रांसफर करते करते, एंड उसके बाद मैं 1 घंटा सो गया, तो 6 बजे उठा, फिर रेडी हुआ, बाइक लेके निकल गया। अरे भाई मैं रास्ता सही तो जा रहा हूँ ना, हाँ सही है लगता है, खाली अंधेरा है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, नहीं तो रास्ता सही। मेरी ना एक्चुअली कल रात में पैकिंग कंप्लीट हो नहीं पाई थी पूरी, टेल बैग लेके आने का मेरा प्लान था, बट एंड मोमेंट पे मैं जब देखा जो टेल टाइडी लगी है ना उसकी वजह से टेल बैग नहीं लग रही है, लग तो रही थी लेकिन इंडिकेटर्स बेंड हो रहे थे, तो इसलिए टेल बैग का प्लान कैंसिल करना पड़ा। एंड मैं लेके आया अपनी कार्बोनाडो की बैग, एंड इसमें जगह थोड़ी सी कम है कंपेरेटिवली टू टेल बैग, टेल बैग में जगह बहुत थी तो आराम से बहुत, अगर और भी कुछ मेरे को लाना था तो मैं ले आता, एक दो चीज़ यहाँ पे मेरे को लेके आनी थी लेकिन वो मैं नहीं ला पाया क्योंकि बैग में जगह ही नहीं थी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम भाई चलो ना भाई, वो लोग वेट कर रहे हैं, मेरे को 3 बार फोन कर दिया है भाई, रास्ता दे दो भाई। अरे रेंज रोवर वाले भाई साहब, वाइजैक को क्या थोड़ा सा बोल दिए, ट्रैफिक नहीं होती वाइजैक में, ये वाइजैक तो अपना पूरा असली रंग दिखा रहा है यार। ओ माय गॉड, BMW 520D, क्या सेक्सी कार है ये वाला। वाइजैक का जो मैप है ना, लाइक 99% पूरी जैसा ही है, सारी रोड निकल के एंड पे बीच पे मिलती है, तो ऐसे आप यहाँ पे कहीं खो नहीं सकते, कहीं पे भी रास्ता नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं जाओ लास्ट में वो आपको बीच पे ही लाके छोड़ेगा रोड। लेकिन यहाँ का जो बीच का रोड है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया हुआ है। भाई कोविड के टाइम पे भी इतनी भीड़ है, मैं तो सोचा नहीं था इतनी भीड़ होगी, मेरे को लगा इस बार खाली खाली होगा, हम लोग घूम के आएंगे आराम से, लेकिन यहाँ तो भीड़ ही भीड़ है। कैसे कट कुट मार के चलाना पड़ रहा है यार, क्या हो गया मेरे को, कैसे कट मार के चला रहा हूँ मैं, छी क्या करे भाई, ट्रैफिक का असर है। अबे सब बंद है यार, यहाँ पे सबमरीन भी कहीं थी, अभी तो बंद है इसलिए दिख नहीं रही है, लेकिन यहीं आगे लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ना कहीं होगी, हो सकता है पीछे भी गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल।
अरे भाई साहब, अरे 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 भाई, इसका सिर भिड़ गया हेलमेट से, बता। ऐसा ब्रेक मारा, पीछे वाले का सर भिड़ गया वाले की हेलमेट से। भाई साहब मेरे को फोन आने लग रहे हैं कंटिन्यूस। अरे भाई पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, को जरा सब्र करो। एक सीसीडी तो था कहीं पे, अब वो सीसीडी किधर है, अब मेरे को खोजना पड़ेगा। ऊपर जाने का रास्ता कौन सा फ्लोर है भाई, ये तो फर्स्ट है। सो गाइस, लो लाइट, लाइटिंग का थोड़ा इशू है यहाँ पे, लाइट सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जितनी भी है हम लोग ट्राई कर रहे हैं उतने में से ही काम चला ले। लेकिन भाई क्या मज़ा आ रहा है, क्या वेदर होके रखा है। 25-26 डिग्रीज है एंड हम लोग अभी बीच के ऊपर ही आए हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली पूरी टाइप का बीच नहीं है कि आप पानी में चल जाओ ऐसे एंजॉय कर लो, ये बीच ना ऐसे सडनली नीचे जाता है, नहाने के लिए सेफ नहीं है। हम लोग यहीं पे बस, यहाँ पे देखो ना, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, बस एक ही है, यहाँ पे एक अच्छी बड़ी लाइट है, यहाँ पे आए हैं ताकि थोड़ा व्लॉग शूट कर लें। एंड बाकी मैं यहाँ से 7:30 बजे तक चले जाऊँगा वापस घर को, एंड रात में निकलूँगा वापस। अब देखता हूँ रात में जो निकलूँगा उसका व्लॉग में मैं उसको डालूँगा कि नहीं, क्योंकि फैमिली के साथ जाऊँगा वहाँ पे, थोड़ा घूम फिर के आऊँगा। एंड हो सकता है बाइक में नहीं जाऊँ, कार में जाऊँ, क्योंकि बाइक में यार बार बार बाइक निकालना, आपको जैसे मैंने पहले ही बोला, वो जो सिक्योरिटी है ना वो भाई चिढ़ जाता है एकदम, वो साउंड से बोलता है इतने लोग रहते हैं ये वो, ज़्यादा पटेली कर रहा है, बोला छोड़ो, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, रात का रात का रात में सोचेंगे, अभी टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी वापस से मैं सी बीच आ चुका हूँ, आज है सेकेंड डे वाइजैक के अंदर, एंड आज ग्रुप वाले नहीं दिखेंगे आपको व्लॉग में, क्योंकि वो लोग जा चुके हैं अरकू की साइड। एंड अभी सुबह मेरे को वो लोग ने कल रात में जैसे मेरे को बताया था, सुबह 4 से 5 बजे बोला आज वाइजैक से निकले हैं, अरकू जाएंगे वहाँ घूम फिर के वापस यहाँ पे 4-5 बजे शाम को आ जाएंगे। तो मैं अभी 4-5 बजे तक फ्री हूँ, तो अपना घूम रहा हूँ, एंड उसके बाद वो लोग आ जाएंगे तो वाइजैक में फिर थोड़ा सा घुमा जाएगा, एंड देखते हैं उसके आगे क्या होता है। अभी तो सुबह के 6:40 हो रहे हैं, मेरे को ब्रेकफास्ट करना है बाहर। हम लोग जहाँ पे रेगुलरली ब्रेकफास्ट करते हैं वाइजैक में जब मैं आता हूँ, वो अभी तक क्लोज्ड, अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग बीच की साइड आकर यहाँ वेट करते हैं 15-20 मिनट आधा घंटा, एंड देन यहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे बढ़िया सा, एंड दिन का स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अर्जेंटली हम लोग ये जो पार्किंग स्पेस है इसको एवैक्यूएट कर रहे हैं, क्यों पता है यहाँ पे सब लोग क्रिकेट खेलने स्टार्ट कर दिया है, एंड फिर बॉल गाड़ी पे लगेगी तो प्रॉब्लम आएगा। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड जा रहे हैं कहीं चाय कॉफी पीने के लिए, अगर मिल गई तो बढ़िया है, नहीं मिली तो भी चलता है।